हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मैन्यूर होते हैं वो क्या होता है, मैन्यूर्स की टाइप्स और मैन्यूर में न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन्यूर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एनिमल और प्लांट्स का वेस्ट होता है, विद स्ट्रॉ भी हो सकता है, इसमें यूरिन हो सकता है, एक्सक्रीटा हो सकता है और इसमें लिटर हो सकता है। बाकी जितना भी वेस्ट है उसको, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट का, उसको मिलाकर और एनिमल वेस्ट को मिलाकर जो हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम मैन्यूर कहते हैं। अब मैन्यूर में जो है वो मैन्यूर जो होता है, अगर इसकी फुल डिकम्पोजिशन हो गई, डिकम्पोज हमने इसको कर दिया 5 से 6 महीने तक, तो तब हम इसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर। ये फार्म यार्ड मैन्यूर में जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन होती है 0.5% नाइट्रोजन होता है इसमें, 0.3% P2O5 होता है और 0.5% K2O इसमें होता है। अब मैन्यूर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर, एक होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर। जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन जो हमारे पास ये कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर है इसमें वर्मी कंपोस्ट आता है, कंपोस्ट आता है, ये फार्मयार्ड मैन्यूर आता है, नाइट सॉइल आती है और भी इसमें टाइप्स जो हैं वो शीप पैनिंग्स आती है। नाइट सॉइल क्या हुआ, जब ह्यूमन एक्सक्रीटा जो मतलब पहले वॉशरूम्स नहीं होते थे तो लोग जो थे वो सीधा ओपन फील्ड्स में चले जाते थे एक्सक्रीशन करने के लिए, तो वो उसको नाइट सॉइल कहते थे। सीवेज जो स्लज आता है इसमें ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर में, स्लज को सॉलिड वेस्ट होता है, सीवेज हमारे पास लिक्विड वेस्ट होता है और जो स्लज होता है इसको एग्रोफॉरेस्ट्री इकोसिस्टम में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इसका यूज किया जाता है और जो वो है वो बाकी क्रॉप्स में यूज किया जाता है। तो अब कंपोस्ट को कितना टाइम लगता है बनने के लिए, 5 से 6 महीने तक इसको लग जाते हैं बनने के लिए। उसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट में जो इसकी इसको जो तैयार करने में 2 to 3 months लग जाते हैं। इसमें इसकी जो अर्थवर्म की कास्ट है, अर्थवर्म जब इसको कंजम्पशन कर रहा होता है तो कुछ कास्ट इसकी निकलती है, हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्योंकि ये जो अर्थवर्म है उसको हम इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो ये इसको तो 2 से 3 months, उसको 5 to 6 months लगते हैं। तो उसके जब हम कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स की बात करते हैं उसमें हमारे पास ऑयल केक्स आते हैं। उसमें जो ऑयल केक्स हैं जैसे, और ये हॉफ एंड हॉर्न मील है, ब्लड मील है, ठीक है, जो स्लॉटर हाउसेज में, ये इंडिया में इसका कंसेप्ट नहीं है लेकिन बाहर की कंट्रीज में स्लॉटर हाउसेज का जो होता है वो हम फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये था कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर में जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है वो 6 to 7% होती है। और अगर हम देखें तो जो जैसे हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल केक है, ये इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग से सेसबानिया है, क्रोटोलेरिया है, इनका यूज हम अपनी फील्ड के अंदर करते हैं। तो इससे भी ये तो अभी हमने टाइप्स डिस्कस की मैन्यूर की, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या हुआ, बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या हुआ। तो अभी हम जो है यहाँ पर देखिए आप बासमती 370 की नर्सरी लगी हुई है और आगे फील्ड प्रेपरेशन हो रही है, रोटोवेटर आज चल गया इस पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉप कैफेटेरिया लगा हुआ है। थैंक यू।